नमस्कार, सिटी टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। कश्मीर संभाग में कुपवाड़ा जिले के सोलकोट इलाके में बिजली के खंभे के पास बोरी में एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अन्य सुरक्षा बलों के साथ बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर में दो अल्पसंख्यक शिक्षकों की हत्या के बाद फैली दहशत के मद्देनजर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कर्मचारियों को 10 दिन का अवकाश दिया गया है। कुपवाड़ा में कश्मीरी पंडित शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेस लेने और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को माइग्रेंट कैंप से काम करने के लिए कहा गया है। MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह का गंदोह पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने गंदोह जिले में डिजिटल हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल हेल्थ मिशन को आगे बढ़ाते हुए ही यहां पर डिजिटल हेल्थ कैंप का इनॉग्रेशन किया गया है। अब यहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में आसानी होगी। ये एक समाज सेवा का काम है और मोदी जी ने हमें यही सिखाया है कि बिना किसी और गरज के या किसी और कंसीडरेशन के जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है उसकी भरपाई की जाए। और मुझे लगता है कि इससे एक नई तहजीब को भी एक जन्म मिलेगा, उसकी शुरुआत होगी कि हम सब मिल करके समाज को अपने आप को वक्फ करके उन सहूलियात को मुहैया कराने की कोशिश करें जिनसे यहाँ के अवाम वंचित रहे। श्रीनगर में अल्पसंख्यकों की हत्या के मामले को लेकर बजरंग दल ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। मेरे को लगता है जिस तरह से 10 दिन की छुट्टियां भी जो अवकाश घोषित किया गया है उनको कुछ सरकार ने सोच समझ के ही किया होगा। और विद इन मेरे को लगता है जिस तरह से मनोज सिन्हा जी का भी बयान आया था, 2-3 दिन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आतंकवाद को इस बार फाइनल मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस बात की मांग की कि जब तक सरकार द्वारा उन्हें इस बात की इंश्योरेंस नहीं मिलती कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कश्मीर में सुरक्षित है, वो लोग अपने काम पर नहीं जाएंगे। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें तहफ़ दे सकते हो हमारे मुलाजमों को और गवर्नमेंट तक और गवर्नर साहब तक हमने ये बात पहुंचानी है कि हमारी मिनाटी कम्युनिटी को ये इंश्योर किया जाए, पूरा भरोसा दिया जाए कि वो उनकी जान वो माल की हिफाजत करेंगे। श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग को मद्देनजर सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद कर दिए गए हैं और जगह जगह पर नाके लगाकर सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा तलाशी ली जा रही है। ऑल जैन के यूटीएमजी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी कि उनके द्वारा जो पेन डाउन स्ट्राइक की जानी थी वो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एश्योरेंस के बाद फिलहाल के लिए रद्द कर दी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा आर्डर निकाला जो हम सब एमजी नरेगा खासकर इंजीनियर्स के खिलाफ जाता है। गवर्नमेंट गांधीनगर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे को मनाया गया। इस मौके पर माहिर डॉक्टरों ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। पर इस साल जो हमारा है वो थीम ये है कि पैलेटिव केयर जो है इसकी जो जानकारी है वो हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए और ये पैलेटिव केयर की सर्विसेज जो है वो हर जो जिस शख्स को जरूरत है उस शख्स तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा थीम है इस साल का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर लोगनाथ मुर्गुना ने अवंतीपुरा जिले में रेगुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसका इनॉग्रेशन किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से जम्मू में एक अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी को जागरूक करने की कोशिश की कि वो तवी नदी को बचाने के लिए आगे आए। एक मुहिम है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करिए, जो बैंड प्लास्टिक है उसको खत्म करिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक J&K में बैन है उसको बिल्कुल यूज नहीं करिएगा, तो उस तरह की अवेयरनेस चलाएंगे। J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सरकार से अपील की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुझाए, अन्यथा उनकी प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां जितने टेम्परेरी वर्कर्स हैं 1,00,000 से जायद जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए हुए हैं, सरकारें जितनी रही उन्होंने भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। तो आज तक हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर एक यूटी बना है, शायद ये मसले हल होंगे, लेकिन अभी तक ये मसले नहीं हल हुए। लखनपुर पुलिस ने पशु तस्करी की एक वारदात को नाकाम करते हुए 10 पशुओं को छुड़ाया है। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।